अंसारी जी की बात याद आती है, अंसारी जी कहते थे दुकान में आके, केवल भारत माता, मुझे और कुछ नहीं आता। तो शायद हमारे भी विचारधारा रहती है, केवल भारत माता और मुझे कुछ नहीं आता। देखिए हनी सिंह को हम तो याद कर लेते हैं आजकल के टाइम पे, लेकिन भगत सिंह को भूल गए। आप सबको पता हो कि हनी सिंह एक गायककार है, सिंगर है, और फिलहाल मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, उसमें आर्ट है। लेकिन हम भगत सिंह को भूल गए हनी सिंह की वजह से। हम लंबे बालों को तो याद रखते हैं, रंग बिरंगे बालों को याद रखते हैं, कान में मुंडी को पहन लेते हैं, लेकिन उस भगत सिंह को भूल जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भूल जाते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी थी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन युवाओं से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप हनी सिंह ने भगत सिंह नहीं। देखिए हनी सिंह ने भी भगत सिंह ने गाना बनाया था, तेरी फोटो क्यों नहीं भगत सिंह, लक्ष्मी नोटा थे, पंजाबी गाना था। वो गाना था हिंदी में, आपको थोड़ा अनुवाद करूंगा कि भगत सिंह आपकी फोटो नोटों पे क्यों नहीं लगती। एक गाना उन्होंने बनाया, मैं फैन भगत सिंह का, जो नहीं था गुलामी करता, लेकिन वो युवाओं को पसंद नहीं आया। उन्होंने सिर्फ ऐसी सिजोरे वाले गाने बनाने पड़े जो युवाओं को पसंद थे, यानी कि 70% युवा वो चीज पसंद करता है जो बिल्कुल ना पसंदीदा है, इसको पसंद नहीं करना चाहिए। और 30% युवा अभी भी वैसा है जो भगत सिंह बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ। और गांव के अगर तो राजगुरु सुखदेव बने तो मैं हूँ साथ में भगत सिंह बनने के लिए, नहीं तो अगर मैं भगत सिंह बनता हूँ तो वो राजगुरु सुखदेव बनने की जरूर कोशिश करें। नहीं तो आप राजगुरु सुखदेव बनिए, मैं भगत सिंह बन जाऊंगा, या कुछ भी बन जाऊंगा, कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन मुझे साथ चाहिए, युवा शक्ति चाहिए, स्टूडेंट पावर चाहिए। बिना स्टूडेंट पावर के मुझे कुछ नहीं मिल सकता। देखिए भगवान युवा में इतनी जवान, मतलब यंग एज में इतनी ताकत क्यों देता है? देखिए बचपन में हम मेहनत करते हैं, नहीं कर सकते, बुढ़ापे में इतनी मेहनत नहीं कर सकते। आगे पढ़ने का मौका सिर्फ युवा अवस्था में ही मिलता है, इतनी ताकत हमें युवा अवस्था में मिलती है। हम जिम जाके पूरा पसीना तो बहा लेते हैं, लेकिन देश प्रेम को भूल जाते हैं। तो बस अंतिम शब्द मैं थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा, अगर कबूतर श्वेत नहीं, देखिए कबूतर श्वेत शांति का प्रतीक होता है, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बात छोड़ देते, यानी गुरु गोविंद सिंह जी के बात छोड़ देते, लाहौर कराची को दिल्ली तरफ। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटों की शहादत दे दी,